हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, सरल करें कोष्टक चार, कोष्टक दो की घात चार भाग आठ कोष्टक बंद की घात तीन प्लस रूट कोष्टक 182 माइनस रूट 100 गुणांतर। तो दो की घात चार भाग आठ, तो दो की घात चार में आठ का भाग देंगे तो हो जाएगा दो की घात तीन। दो की घात चार माइनस तीन, ये कोष्टक बंद, और दो की घात तीन प्लस रूट 182 माइनस 169 का हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 169 का 13 माइनस में, तो हो जाएगा दो की घात चार माइनस तीन, तो ये हो जाएगा दो की घात एक। कोष्टक बंद माइनस तीन, ये प्लस की घात तीन, ये हो जाएगा इधर 13। इधर हो जाएगा दो की घात तीन का हो जाएगा आठ प्लस 13 बराबर 21। आगे देखें स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन, सरल कीजिए 123 प्लस बड़ा कोष्टक 72 माइनस मझला कोष्टक 96 भाग 12 माइनस 8 माइनस 64 भाग 8, तो ये चला जाएगा 8 माइनस 8 माइनस 96 में 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8। 8 तो ये इससे चला जाएगा, ये 12 आएगा, ये हो जाएगा इससे, ये आगे चला जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो हो जाएगा इधर 123 प्लस बड़ा कोष्टक 72 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 123 प्लस 64, चार और तीन सात, छह दो आठ, 187। आगे देखें स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 43 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू विकर्ण कितने हैं 43 इंटू 44, तो 2 से चला जाएगा ये 22 बार, 43 इंटू 22, 43 को 22 से मल्टीप्लाई, 4946 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखें स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 122 है, एक संख्या निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, तो निकाली गई संख्या, तो 5 संख्याओं का भी औसत कितना है 122, चार संख्या हो जाएगी, एक संख्या निकाल दी फिर भी 122 रहेगा, तो निकाली गई संख्या भी 122। आगे देखें स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 210 में खरीदता है और उसे 168 में बेच देता है, 210 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया और उसका सेलिंग प्राइस हो गया 168, तो कितने कम में बेचा 32 10 42, 42/210 इंटू 100, ये इसे चला जाएगा 5 बार, 5 से 20%। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़, पेन पेंसिल और रबड़, पेन पेंसिल और रबड़ 3:2:1, 3, 2 और 2, ये हो जाएगा 3×3=9, 2×2=4, 2, तो कितने रुपए हो जाएंगे 235 भाग 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो 15 से चला जाएगा ये 15 बार, तो बॉक्स में पेन की संख्या 15×3 45 पेन। आगे देखें स्टूडेंट्स, जब एक वस्तु को 198 में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि कब होगी, जब 100% की वस्तु को 10% हानि में 90% में बेचा जाए, तो 198
90 इंटू 100, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, वस्तु का क्रय मूल्य 220, वस्तु का क्रय मूल्य 220, 22 इंटू 10, 220। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, एक बॉक्स में रखे 80 साबुनों में से 24 उपयोग किए जा चुके हैं, तो बॉक्स में बचे साबुनों के प्रतीक 80 माइनस 24, 80 माइनस 24 तो 56 साबुन उपयोग नहीं किए, तो 56 बटा 80 इंटू 100, 0 से 0, 8 से 7 बार 70% साबुन उपयोग नहीं किए गए। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर प्रति गति से और दूसरा हिस्सा 495 किलोमीटर की गति से तय करता है दोनों हिस्सों में औसत गति, तो 2 इंटू अक्स इंटू वाई बटा अक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 330 इंटू 495 बटा 330 और 495 825, 825 ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये सब काटने पर आएगा 396। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, एक निश्चित राशि के 6:5 को के दो भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 102, तो पहला भाग और दूसरा भाग अनुपात 6:5, तो 102 बटा 6, तो कुल राशि हो जाएगी 6 और 5 11, 11 से 6 एकम 6, 6 7 42, 17 × 11, 17 × 11 187, 17 × 11 187। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 100, आयत की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और इसका विकिरण 208 सेंटीमीटर, तो विकिरण ये हो जाएगा, विकिरण ये कितना है 208, चौड़ाई हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 80 का रूट 280 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 80, 280 208, 208 80, ये हो जाएगा 288 इंटू 208 में से 80 चला जाएगा 128, 128 तो ये हो जाएगा 92, 192, 192, तो 2 कोष्टक 192 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक 275, ये हो जाएगा 2 × 4, 7 × 14 का 4, 8 × 1 = 2, 4 × 1 = 5, 544। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, अक्ष का मान बताइए, रूट 183 माइनस अक्ष, तो 100 इधर से रूट कट जाएगा, 183 माइनस अक्ष बराबर इधर से हो जाएगा 181 माइनस 12, 181 माइनस 12 ये हो जाएगा अक्ष बराबर 183 माइनस 183 माइनस 169, अक्ष बराबर हो जाएगा 14। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 120 में खरीदा और 150 में बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 120, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 150, कितना अधिक में बेचा 30 अधिक में कितने पर 120 पे इंटू 100, 0 से 0, ये चला जाएगा इससे 2.5 मतलब 25%। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक धातु के टुकड़े की कीमत 160 से बढ़कर 192 हो गई, तो 160 से बढ़कर कितनी हो गई 192, कितनी बढ़ गई 32/160 इंटू 100, 0 से 0, ये चला जाएगा इससे 2 बार 20% बढ़ गई। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, किसी संख्या के 80% अक्ष का 80/100 के 75, 3/4 के 2/3 के 1/4 बराबर हो जाएगा 5519, तो ये 4 × 16, 16 से चला जाएगा 5 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार,
20 से 3 से 3 चला जाएगा, 20 से हो जाएगा 10 बार। पक्ष बराबर 5, 55 गुनीस इंटू 10, अक्स बराबर 55,190। आगे देखे स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, शतुर्भुज की भुजाएं दो दो अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और परिधि 238 है, तो सबसे छोटी भुजा तो 238 बटा अनुपातों का योग 5 और 4 9, 9 और 5 14, तो 14 से एक बार, 14 से एक बार, 14 से चला जाएगा एक बार और फिर 7 बार, 17 बार। तो सबसे छोटी भुजा 2 इंटू 17 बराबर 34 सेंटीमीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स एलपीजी सिलेंडर की कीमत 492 से बढ़कर 692 से बढ़कर 615 हो गई, 492 से बढ़कर कितना हो गई 615, तो 492 से बढ़कर 615 कितनी बढ़ गई 500 और 115 और 8 123 123 बढ़ गई, 123 बढ़ गई, 123 बटा 400 कितना खपत 615 इंटू 100, कितना कम करना चाहिए इससे चला जाएगा दो बार, दो इससे चला जाएगा 0, 20% की कमी करना चाहिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 42 और 7 है, उनमें से एक संख्या 7 तो दूसरी संख्या, तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ, तो पहली संख्या कितनी है 7, दूसरी संख्या अक्स निकालना है, एलसीएम हो जाएगा 42 और एच सी एफ हो जाएगा 7, 7 से 7 चला जाएगा अक्स बराबर 42। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 48 सेंटीमीटर है, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 3/4 इंटू 48 इंटू 48, 4 से 16 बार, 48 इंटू 16 576 रूट 3। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 207, तो 207 बटा 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 1:23, तो उनके बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना है 1 का, 1 1 बराबर हो जाएगा 23। आगे देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 79 था, जब कोच को शामिल कर लिया जाता है तो उनका वजन 1 केजी बढ़ जाता है, 1 केजी बढ़ जाता है, तो 79 प्लस अब 11 के बाद कितने खिलाड़ी हो गए 12, तो 12 केजी और बढ़ जाएगा, तो 79 और 12 91 केजी। आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, 15% की वार्षिक दर पर 2 साल के लिए 39,200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दर से प्राप्त होने वाली राशियों बताइए, तो कितनी हो गई 2 साल का 2 और 1, 39,000 और 200 का 15%, तो 392 इंटू 15, ये चला जाएगा 5 × 10 का 0, हासिल की 1, 9 × 5 = 45, 46 का 6 = 4, 5 × 15 = 4 = 19, ये तो हो जाएगा 392, 0 × 6 = 2 = 8, 9 × 2 = 18 का 8, हासिल की 1, 3 × 2 = 5, 5,880, 5,880 का 15%, ये हो जाएगा 10%, 588 और 588 2 का भाग देंगे 2 × 4 = 9 और 4, 294, 294 हो जाएगा 8×4 = 12 का 2, हासिल की 1, 9×2 = 18 का 8, हासिल की 1, 5×2 = 7 = 800,
सी, तो ये हो जाएगा 2 से गुणा, 0 8 दूनी 16 का 6 हासिल किया, 8 दूनी 16 17 का 7 हासिल किया, 1 5 दूनी 10 11, 11 760 और 882, 8 और 6 14 का 4 हासिल किया, 1 8 दूनी 16 का 6 1 12642। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।